मैं शामिल हूँ या ना हूँ, मगर हूँ तो इस कालखंड की चश्मदीद गवाह। बरसों पहले वो गर्भवती जवान औरत गिरी थी मेरे उपन्यास के पन्नों पर खून से लथपथ। ईरान की थी या टर्की की, या थी अफ्रीका की या फिलिस्तीन की या फिर हिंदुस्तान की, क्या फर्क पड़ता है वो कहाँ की थी। वो लेखिका जो पूरे दिन से थी, जो अपने देश के इतिहास को शब्दों का जामा पहनाने के जुर्म में लगाती रही चक्कर न्यायालय का, देती रही सफाई ऐतिहासिक घटनाओं की सच्चाई की, और लौटते हुए फिक्रमंद रही उस बच्चे के लिए जो सुन रहा था किसी अभिमन्यु की तरह सारी कारगुजारियां, या फिर वो जो अपनी आवाज दबा ना पाई और चली गई सलाखों के पीछे गर्भ में पलते हुए एक नए चेहरे के साथ। ये तो चंद हकीकतें हैं, चंद फसाने हैं। जाने कितनों ने तख्त पलटे हैं हुक्मरानों के, घर में भी और बाहर भी अपनी गुमनामी के बावजूद। हर मोर्चे पर लड़ रही हैं ये औरतें, छोड़कर अपनी जन्नतों की सरहदें। चिटखा देती हैं कभी अपने वजूद को अपनी ही चीतकारों व सिसकियों से। अक्सर वो तोड़ देती हैं उन सारे पैमानों व बोतलों को जिसमें उतारी गई हैं वो बड़ी महारत से। दीवानी हो चुकी हैं ये सब की सब औरतें। मैं शामिल हूँ या ना हूँ, मगर हूँ तो इस कालखंड की चश्मदीद गवाह।